तो हे गाइस, स्वागत है आपके पोकेमोन की एक और नई ब्रांड न्यू वीडियो में। और भाई, मैं इतने जोर से वीडियो इसलिए बना दूँ कि मैं जब भी मैं वीडियो बनाने बैठता था ना, तो मेरा दिमाग कहता था कि आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है, अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, यूट्यूब पर कोई कॉमेडी वीडियो देख लेता हूँ। हाँ, तो भाई मेरा दिमाग यही कहता था, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था और मैं थोड़ा बिजी भी था। तो अभी हम लोग ले आए हैं भाई न्यू वीडियो। तो भाई, आज मैं तुम लोग को बताऊंगा कि कैसे तुम लोग पोकेमोन फायर एज को अपने एंड्रॉइड में चला सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, क्योंकि भाई बहुत से लोगों के उसमें चलता भी नहीं है, तो मैंने सोचा बना देता हूँ। तो चलो भाई, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। तो भाई, तुम लोग को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आ जाना अपने गूगल में, और गूगल में आके भाई तुम लोग को सर्च करना है फायर एज। जैसे फायर एज सर्च करोगे, जो पहली वेबसाइट है भाई, उस पर क्लिक कर लेना और जो भाई लेटेस्ट वर्जन है उसको डाउनलोड कर लो। यहाँ पे तुम लोग को सारे वर्जन दिख जाएंगे, ओल्ड न्यू। तो भाई यहाँ से तुम लोग डाउनलोड कर लो कोई सा भी, जो उनसे तुम्हारा मन कर ले। भाई मैं तो 2.7 खेलता हूँ कि उसमें चल जाता है सब कुछ। तो यहाँ पे अभी के लिए तो हम लोग 3.4 वाला डाउनलोड करेंगे, क्योंकि हम लोग को वाला ही चलाना है, क्योंकि कुछ लोग लेटेस्ट खेलना रहता है। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो बहुत सारे हैं ओल्ड, मतलब जो स्टार्टिंग से लेते हैं, सारे वर्जन तुम लोग को देखने को मिल जाएंगे। लेटेस्ट वाला भाई 3.4 वाला है। तो यहाँ से भाई तुम लोग क्लिक करोगे तो भाई देख सकते हो मेगा पैन खुल जाएगी, और ये 3.0 वाला है। तो मैं 3.0 वाला देख अभी तुम लोग को दिखा देता हूँ डाउनलोड करके, क्योंकि 3.4 का भी वही सेम प्रोसेस है। तो इसको भाई तुम लोग डाउनलोड होने दोगे, टाइम लगेगा, तो मैं मिलता हूँ तुम लोग से ये डाउनलोड करने के बाद। वो भाई चुका है, कम्प्लीट हो चुका है। उसके बाद भाई तुम लोग क्या करना है, तुम लोग को भाई ZRC पर तुम लोग डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर पर तुम लोग को मिल जाएगा। तो भाई डाउनलोड करने के बाद तुम लोग यहाँ पे जहाँ पे भी तुम लोग का डाउनलोड होगी ये फाइल, वहाँ पे तुम लोग चले जाना उस फोल्डर में। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे zip फाइल आ चुकी है। तो भाई इस पे तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोग भाई ये वाली जो zip फाइल है उसको होल्ड करना है, मतलब होल्ड नहीं मतलब क्लिक करना है। तो उस पे एक्सट्रैक्ट हेयर का ऑप्शन आएगा, फिर भाई इसको एक्सट्रैक्ट कर दो। इसमें भी भाई बहुत टाइम लगेगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे, या उससे कम भी लग सकता है अगर अच्छा डिवाइस है। तो मैं मिलता हूँ भाई इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद। तो भाई तुम लोग देख सकते हो फायर एज का एक यहाँ पे एक फोल्डर आ चुका है, क्योंकि वो एक्सट्रैक्ट हो गया है। तो भाई अब तुम लोग क्या करना है, सिंपली भाई तुम लोग को प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे तुम लोग जाओगे तो यहाँ पे भाई तुम लोग को जॉय प्ले सर्च करना है। यहाँ पे जो दो फाइलें हैं भाई, एक ये और एक ये रैन पे वाली, दोनों फाइलों को भाई तुम लोग यहाँ पे डाउनलोड कर लेना। और यहाँ से भाई हम लोग ओपन कर लेते हैं, और ये मेरा पहला वाला, तो मैं उसको डिलीट कर देता हूँ, दोबारा से दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पे भाई तुम लोग जाओगे, चूज़ करना है यहाँ से, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना, फिर मेरा एक और डाउनलोड है। फिर यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो फायर एज आ जाएगा। यहाँ पे गेम EX वाली फाइल को चूज़ कर लेना है यहाँ से, और उसके बाद भाई तुम लोग नेम वगैरह दे दो, जो भी तुम देना चाहो कोई भी नेम दे सकते हो, और नेम भाई डालना पड़ता है, कोई भी नाम डाल दो। मैं यहाँ पे अभी फायर लिख देता हूँ, और भाई ये फिर से एक्सट्रैक्टिंग होने लगी जो है प्ले में आके। तो भाई इसको एक्सट्रैक्ट होने दो, इसमें भी 5 मिनट्स या 3 मिनट्स तो लगेंगे, तो मिलता हूँ एक्सट्रैक्ट करके। तो भाई देख सकते हो यहाँ पे फोल्डर हो चुका है, एक्सट्रैक्टिंग वगैरह हो चुकी है। तो भाई अब तुम लोग क्या करना है, इस पर होल्ड करना है, ये तुम लोग चाहो तो डायरेक्ट भी प्ले कर दो पहले। तो देखो सबसे पहले तुम लोग क्या करना है, यहाँ पे अगर तुम लोग प्ले करते हो तो यहाँ पे तुम लोग को ये बताएगा ये, तो तुम लोग यहाँ से ओके वगैरह कर देना सब। उसके बाद तुम लोग भाई देख सकते हो और लोडिंग यहाँ पे चालू हो जाएगी, और यहाँ पे चालू हो चुका है भाई हम लोग का गेम। और अभी यहाँ पे देख सकते हो प्रेस एंटर वगैरह। और भाई इसके अंदर एक दिक्कत और हो सकती है, जिसके फ़ोन में भी हो तो मैं बता देता हूँ अभी आके क्या होगा इसके अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हो भाई गेम वगैरह तो प्ले हो चुका है, सब हो चुका है हम लोगों का। तो यहाँ से यहाँ पे इंस्ट्रक्शन वगैरह दे रहा है भाई, तो ये सब ले लेते हैं। उसके बाद इन्फो वगैरह में कुछ चाहिए नहीं तो हटा देते हैं यहाँ से। तो मैं भाई तुम लोग को पूरा प्ले करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे बॉय वगैरह सेलेक्ट कर लिया, नेम दे देते हैं। और भाई यहाँ पे एक मिस्टेक, मतलब एक बग ज़रूर हो सकता है, तो मैं भी बता दूंगा कि उसको कैसे फिक्स करना है। तो वो ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ऐप में ही तुम लोग कर दोगे थोड़ी सेटिंग वगैरह तो हो जाएगा। तो यहाँ से देखो तुम लोग बाहर जाओगे ना, यहाँ से गेट के बाहर जाओगे, अपने घर के बाहर जाओगे, तो भाई मैप ना कुछ ऐसा हो जाए, मतलब ग्लिची टाइप का। तो भाई ये भी तुम लोग कर सकते हो, उसको सही कर सकते हो, एक सेटिंग है। तो देखो तुम लोग क्या करना है, सबसे पहले तो अपना पूरा रीस्टार्ट कर देना है, जॉय प्ले को मतलब हटा देना है यहाँ से। तो मतलब यहाँ से हम लोग ने रीस्टार्ट कर लिया। अब उसके बाद भाई तुम लोग इस पर होल्ड करोगे तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑप्टिमाइज जो मैप है उस पर क्लिक कर देना, और भाई तुम लोग ऑप्टिमाइज मैप कर लेना, तो तुम लोग का सही हो जाएगा मैप वगैरह। तो यही था भाई आज की वीडियो में। अगर तुम लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना,
मैं मिलता हूँ भाई तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस एंड लव, बाय बाय। और भाई कोई भी दिक्कत आए गेम में तो कमेंट करके बता देना। बाय बाय।